पार्ट वन से ज्यादा बड़ा पार्ट टू होगा लेंथ में, लेकिन पार्ट टू ज्यादा एंजॉयबल होगा। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो तो डांटना मत, ठीक ठाक है। कॉस्टिंग है 40 रुपीज। मैंने अभी भैया का चैनल को हाईजैक कर लिया। यहाँ का केला फेमस है क्या? इतना केला खाना का ऑप्शन कैसा लगा यहाँ पर? ये ज्यादा अच्छा था। चार भेज और एक चिकन। हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं रुकेंगे। चम्मच भी दिया, प्लास्टिक के चम्मच से भात कौन खाता है? ये पूरा ट्रेन का 72 सब्सक्राइबर इसका हो गया। वेलकम टू जियो तमिलनाडु। वेलकम टू पार्ट टू ऑफ 12376 जोशीडी तंबरम रत्ना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और रात के 12 बजे हम सोए थे, संबलपुर था ना, संबलपुर क्रॉस करने के बाद, और सुबह के 6 बजे ही उठ गए। उसके बीच में 50 बार नींद टूटा। दिस इज ब्लॉगर्स लाइफ आप लोगों के लिए। और अभी हम लोग आंध्र प्रदेश में है, सुबह का टाइम है, और हम लोग पहुँचने वाले हैं भिजियाना गरम। तो वहीं से पार्ट टू का शुरुआत करेंगे। हम लोग पहुंच गए भिजियानगर स्टेशन, कोड भिजे डैम, और यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है और वेल्थ डिवीजन का, साउथ कोस्ट रेलवे का। और यहाँ पर डेली 150,000 पैसेंजर का आना जाना रहता है। और ये हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर पड़ता है, और जो रात को झारसुगुड़ा आया था, झारसुगुड़ा भिजियानगरम लाइन एक पड़ता है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है आंध्र प्रदेश का। और ये रहा स्टेशन भिजियानगरम पे। टाइम था 7:15 पे और 5 मिनट का हॉल्ट है, 7:20 पे राइट टाइम आया है। यहाँ तक हम लोग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ से डिपार्चर देंगे। इट्स आर 7:21, वी हैव डिपार्टेड विजयनगरम। इंजेक्शन फिर मिलेंगे, बहुत दुख रहा है भाई। ट्रेन एकदम मस्त कर्व ले रहा है, कुछ कर्व नहीं है, कर्व नहीं है। भिजियाना गरम से निकल गए, और प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो तो डांटना मत, क्योंकि ये बहुत बेकार ये होता है। इसमें मतलब वर्ड जो होता है क्या खिजीवी टाइप का होता है। और इसके बाद आएगा विशाखापट्टनम, जो आएगा 1 घंटा बाद, यहाँ पर लोको रिवर्सल होगा, फिर से हम लोग पीछे हो जाएंगे। अभी तक हम लोग आगे थे आसनसोल से, और चढ़े थे पीछे हम लोग जब चित्तयान चढ़े थे, फिर से पीछे हो जाएंगे विशाखापट्टनम के बाद। और वहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे ना सुबह। और साफ सफाई ठीक ठाक है, पानी वगैरह सब कुछ है, हैंड वॉश है, लेकिन थोड़ा सा और ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ थोड़ा सा और साफ सफाई रखता तो अच्छा होता। थोड़ा सा सफाई नहीं हो रहा है, लेकिन पानी वगैरह सब कुछ है, पानी हैंड वॉश सब कुछ अवेलेबल है, मतलब कुछ कमी नहीं है, ठीक ठाक है बाथरूम, लेकिन साफ सफाई कम है थोड़ा। फ्लोर सफाई नहीं हो रहा, फ्लोर अंदर का नहीं हुआ, बाहर भी थोड़ा सा पानी जम गया है, लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई में ध्यान देने की जरूरत है। 10 में से अगर सुबह में दिया जाए तो 5 दे सकते हैं। ब्लॉगर्स लोगों को तो रात में जो होता है वो लोग सुबह उठ के बोलता है कि बहुत बढ़िया नींद आया, लेकिन मेरा तो 100 बार नींद टूटा, 100 बार पता नहीं, मेरे को तो नींद ही नहीं हुआ। जो भी आप लोगों के लिए कॉन्टेंट है, पार्ट टू हाजिर है, और ये चलता रहेगा एकदम चेन्नई इग्मोर तक। जब तक पहुँचेंगे तब तक पार्ट वन अगर नहीं देखे तो पहले वो देख के आइए, वो संबलपुर तक था। और पार्ट टू शुरू हुआ विजयनगरम से। एंड ऑल्सो गुड मॉर्निंग बोलना ही भूल गया था। और अभी अंदर चलते हैं थोड़ा सा, और विशाखापट्टनम में मिलेंगे। करेंट ऑपरेटिंग स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर। सुबह को रात को कितने बजे सोए थे? रात को 1 बजे। 1 बजे सो गया? हाँ, 1। हम सोचे तुम 3 बजे सोए। ना ना, 1 बजे हम सोए। और रात को नींद आया? हाँ, नींद तो हम गए, हमको पूरा नींद आ गया एकदम। तुम एकदम पूरा टॉप नॉच है, तुमको टेंशन ही नहीं है कुछ। अभी क्या प्लान है? अभी तो विजयवाड़ा जंक्शन आ रहा है। विजयवाड़ा नहीं, विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम।
चार बजे हिला विजय वाला वैक्स ऊपर में ज्यादा हिलता है, नीचे में तो हिलेगा नहीं ना, ऊपर में तो एज कटलेट ब्रेकफास्ट में एज कटलेट लिया है, जिसमें दो पाव रोटी है और दो एज कटलेट है। गरम है, गरम है, गरम है, लेकिन टेस्ट करके देखते हैं। ये वाला टेस्ट करने का है, ठीक ठाक है, कॉस्टिंग है 40 rupees। इसमें थोड़ा सा सॉस भी दिया हुआ है, ठीक खाते हैं। इसको लगाया इसमें विशाखापट्टनम स्टेशन कोड BSKP और यहाँ पर 8 platform है और ये विजयवाड़ा डिवीजन में आता है, इकोर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर में। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया था बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इस यहाँ पर लार्जेस्ट डीजल लोकोमोटिव सेट है, जहाँ पर 300 लोकोमोटिव मतलब डीजल लोको रह सकता है और इलेक्ट्रिक लोको सेट है, जहाँ पर 297 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एकोमोडेट हो सकता है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से इसे प्लैटिनम रेटिंग भी मिला था इको फ्रेंडली के लिए और काफ़ी जगह पे मैंने देखा इसको साउथ कोस्ट रेलवे भी बोला जाता है, जो अंडर प्रपोजल है। और यहाँ पर जो मैंने देखा एक बोर्ड पे लिखा हुआ था इकोर मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर में ही आता है, तो साउथ कोस्ट जो है इसको वो अभी अंडर प्रपोजल है। और यहाँ पर एक चाइल्ड एम्यूजमेंट टाइप का कुछ है, तो आने के टाइम मैंने देखा अराइवल में देखा आप लोग क्या बोलते हैं, क्लीनिनेस एकदम मतलब टॉप नॉच है, तो जो मैंने बोला वो आपको दिखाई दिया, तो प्रूफ मतलब हिंस प्रूफ हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर पड़ते हैं। विशाखापट्टनम का 3 लाइन जाता है, विशाखापट्टनम खुर्दा रोड, विशाखापट्टनम किरदूल लाइन और एक होता है विशाखापट्टनम जो विजयवाड़ा, जहाँ जिस तरफ हम लोग जाएंगे चेन्नई विजयवाड़ा होके, और यहाँ पर लोको रिवर्स होगा तो हम लोग फिर से पीछे हो जाएंगे। तो लोको रिवर्सल मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं हम लोग के कुछ पीछे है, तो आप लोग समझ ही सकते हो पूरा आगे जाना पड़ेगा, कपलिंग नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि और पीछे डिकपलिंग हो रहा है। अभी 10 मिनट्स टाइम है तो बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं, काफ़ी अच्छा स्टेशन लगा हम लोग को इसलिए। हाँ यही विशाखापट्टनम यही है, इसके बाद विजयवाड़ा दोपहर में आएगा। हेरा भाई साहब विशाखापट्टनम Gate 3, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 10 मिनट्स बचा हुआ है, लोको रिवर्सल के कारण 20 मिनट का हॉल्ट था तो 8:45 हो गया। इधर है Gate 2, 3 सब चिल्ड्रन एम्यूजमेंट जो बोल रहा था छोटा मोटा। ये वाला कैसा लगा मेरे को जरूर बोलना, बहुत सारा चीज़ दिखा दिया विशाखापट्टनम में एक ही बार में 10 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर कह सकते हो, तो कैसा लगा जरूर बोलना, ये लाइक जरूर कर देना। इधर लोको डीकपल हो चुका है, वी आर रेडी टू गो। केला फेमस है क्या इतना केला, नया नया चीज़ दिख रहा है। इसका अराइवल हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और जब डिपार्चर होगा तब हम दूसरे साइड से दिखाएंगे। आई होप यही वाला लोगों को लगेगा फिर से टाटा का YF7। क्या अभी YF4 जा रहा है, एडीडीयू का YF4। सीन देखो गाइज, आप लोग YF7 गया, अभी YF4 गया और हम लोग का ट्रेन पूरा मतलब कार लेके एकदम खड़ा हुआ है एक नंबर पे, और YF7 और YF4 शायद का पलना हो जाए। टाइम देख लो 9:08, वी हैव डिपार्टेड ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लेट। रायगढ़ गुंटूर काचीगुडा एक्सप्रेस,
आपको तो पता ही है आप जानबूझ के बोले बनाने। हाँ वो दो दिन से सफाई नहीं हुआ, दो दिन भैया को सब पता है इसे ऑटोमेटिक। तिरुवनंतपुरम जा रहे है विशाखापट्टनम तिरुवनंतपुरम। समलकोट स्टेशन कोड SLO तीन प्लेटफॉर्म है और ये ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश में आता है। साउथ कोस्ट रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में आता है और एक ही मिनट का हॉल्ट है। अब हम लोग पीछे है एकदम लास्ट से थर्ड नंबर कोच है। हम बढ़िया पी रहे हैं नोबा का डेयरी मिल्क और इसको नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ लिखा हुआ था विशाखापट्टनम बाकी नहीं पढ़ पाए। अब बुलाता है उसको। राजामंड्री स्टेशन कोड RJY। यहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म है और चार पांच अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये भी सेम है साउथ कोस्ट रेलवे ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर और ये भी विजयवाड़ा डिवीजन अंदर आता है और यहाँ पर दो मिनट का हॉल्ट है। ये खाना चढ़ेगा क्या? ना ये थोड़ा चढ़ेगा। खाना का ऑप्शन कैसा लगा यहाँ पर? ये ज्यादा अच्छा था। ज्यादा अच्छा था? अरे पैंट्रीकर वाला भी अच्छा ही होगा। नहीं अच्छा है। ये अच्छा है पैंट्रीकर वाला। यहाँ पर खाने पीने का बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। आप चेन्नई जाओगे? गाड़ी के स्टाफ। हाँ गाड़ी के स्टाफ। ओ आप गाड़ी के स्टाफ है ना, गाड़ी लेके जाएंगे वापस फिर लेके। यही वाला है खुलेगा। गोदावरी आगे
बाबरी का बिरीवार का व्यू कैसा लगा मेरे जरूर बोलना कमेंट सेक्शन में। और एक बार ट्रेन का साफ सफाई में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बहुत गंदा है, थोड़ा सा साफ सफाई अच्छा हो तो अच्छा हो, क्योंकि लॉन्ग रूट ट्रेन है। और एक गोदावरी रिवर बहुत अच्छा था, इसके ऊपर से रोड है, बाय रोड कार भी जा सकता है और अंदर से ब्रिज के ट्रेन जाता है। मेरा हम लोग को चार भेज और एक चिकन। एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या दिया भेज में? राइस तो दिया, सोयाबीन है वो वाला शायद। हाँ, ये तो सोयाबीन सब्जी, राइस, दाल, दाल नहीं है, काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा सांबर टाइप का थोड़ा थोड़ा कर दिया है। कैसा लग रहा है? मसाला दाल टाइप का ठीक ठाक है, मतलब टेस्ट ठीक ठाक है। प्लास्टिक के चम्मच भी दिया। प्लास्टिक के चम्मच से भात कौन खाता है? वही तो हम लोग तो नहीं खाते, नहीं खाते है, वो दिया है तो खाना ठीक है, खा लीजिए, रेल को मानना पड़ेगा, खा लीजिए। हम लोग तो पता ही है खाना अच्छा नहीं होता। और मेरा चिकन थाली बाद में, मेरा चिकन थाली का कॉस्ट है 150 और ये लोग का 120 भेज थाली का। वी हैव रीच्ड इल्लुडू। कितना टाइम हुआ भाई साहब? 1:24, मतलब 15 मिनट लेट है ऑलमोस्ट। अच्छा, स्टेशन का स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग है ना? हाँ, हम लोग पहुंच गए इल्लुडू, स्टेशन कोड ई है और यहाँ से साउथ सेंट्रल रेलवे का शुरुआत होता है और ये भी विजयवाड़ा डिवीजन के अंदर आता है। इसे ओपन किया गया था इंडिया 1893 एंड यहाँ से दो लाइन जाता है, विशाखापट्टनम विजयवाड़ा और हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, ठीक है। और इल्लुडू अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो तो थोड़ा सा माफ कर देना, समझ रहे हो आप लोग। और ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहा हो, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मेरा जितना भी ट्रेन ट्रेवल किया हो, सबसे गंदा एसी का एक्सपीरियंस हुआ है। क्यों हुआ है अंदर जाके बोलूँगा। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है और 15 मिनट लेट है, क्योंकि 1:05 पे अराइवल था, 1:25 बज रहा है, मतलब 20 मिनट लेट है ऑलमोस्ट। कैसा आराम से पंखा चल रहा है। और शोभा को कल से एक ही लुक में है, काल तो पूरे स्टील बॉडी दिखा दिया, 9 डिग्री, आज 29 डिग्री है टेम्परेचर, अभी 25 से अबव है, 25 है ऑलमोस्ट, गर्मी है इधर, गर्मी है भाई साहब। तो इधर आ रहे हो, इधर से ईआर से अगर एससीआर आओगे तो ज़्यादा ठंडा कपड़ा मत लाओ, मतलब नॉर्मल शर्ट वगैरह से हो जाएगा, ठीक है। अरे सौभाग्य तुम पढ़ते नहीं कुछ। तो मैं जो बात कर रहा था एसी का सबसे खराब एक्सपीरियंस, तो क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि मान लीजिए 5 साल का नीचे का अगर एज हो तो टिकट नहीं लगता। मान लीजिए 1 बच्चा है तो ठीक है, 5 बच्चा हो, 10 बच्चा हो, सबके अगर टिकट नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। और साफ सफाई बहुत बेकार है, क्योंकि एसी में जो रिफ्रेशनर मरता है और झाड़ू वगैरह वो भी बहुत कम मर रहा है, तो बहुत बेकार साफ सफाई है। और वो मामला भी है, वो तो टीटी के बाद है, क्योंकि अगर 10 बच्चा लेके भी उठ चढ़ जाए तो कोई ये नहीं है। तो सौभाग्य तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है? साफ सुथरा नहीं है, नीट एंड क्लीननेस नहीं है, खाना वगैरह उतना कुछ सही नहीं मिला और ऐसा एक्सपेक्टेशन साउथ रेलवे से कुछ था नहीं मेरा। हम सुनते कि बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा। हाँ, हम भी सुने थे कि साफ सफाई अच्छा है, लेकिन साफ सफाई बहुत बेकार है, वो चीज़ अलग हुआ। मैं कोई हेट नहीं फैलाऊंगा बच्चे के मामले में, लेकिन साफ सफाई भी एकदम बेकार है, क्योंकि एक बार भी फ्रेशनर नहीं मारा रूम कोच के अंदर। तो ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। इस ट्रेन को वीकली इसलिए इग्नोर कर रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद आएगा विजयवाड़ा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सोएंगे, ठीक है, क्योंकि नींद इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेरा भाई साहब मेरा चिकन थाली देख ही सकते हैं, एक चम्मच दिया हुआ है छोटा मोटा, चिकन का पीस, 2 पीस छोटा छोटा एकदम, दाल यहाँ पर एक्स्ट्रा, राइस भी दिया हुआ है, टोटल 150 और एक पिकल। सलाद दिया नहीं तुमको? ना सलाद नहीं दिया, कहाँ नहीं दिया सलाद, नहीं है चिकन और दाल, तो सलाद दिया था। दाल का थिकनेस नहीं, आपको नहीं दिया था, हम देखे अच्छा। देखते हैं कैसा खाने में है, पहले थोड़ा सा ये कर लेते हैं। सबसे धोए हैंड वॉश, सैनिटाइजर सबसे धो लिए, वो भी बोले नहीं, सबसे कर लिए, वो बोले नहीं, वो पता है सब लोग को कि सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए कोरोना के टाइम में। अच्छा अच्छा, तो टेस्ट ठीक ठाक नहीं है, 10 में से 6 ही हुई है, 5-6 बस। पैसा मत दो, पैसा देना पड़ेगा 150 रुपये।
घंटे देखते हैं हम लोग। ऐसा है ना, ऐसा बारह से डीडी हो जाएगा ना, ऐसा ही मिलेगा। बहुत बड़ा है भाई साहब, खड़गपुर जैसा है। हाँ वही, कैसे 10 प्लेटफॉर्म है, थोड़े 23 प्लेटफॉर्म है भाई। भी सपना यार साहब। रीच्ड विजयवाड़ा जंक्शन और यहाँ के स्टेशन कोड BJD है। 10 प्लेटफॉर्म है, 24 ट्रैक्स है और ये फोर्थ बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। मैंने आपको बोला था फास्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और सेकंड वाला होमवर्क दिया था, याद करना ठीक है। वो वाला अभी भी होमवर्क ही है ठीक है। और ये सिचुएटेड है हावड़ा चेन्नई मेन लाइन एंड दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पे, और इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1833 एंड यहाँ पर 10 मिनट्स का हॉल्ट है। हम लोग यहाँ पर 2:35 पे ही टाइम था, राइट टाइम आया और 10 मिनट का हॉल्ट है। और ये NSG 2 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। पर डे 1.40 लाख पैसेंजर का आना जाना रहता है। यहाँ से डेली 190 एक्सप्रेस ट्रेन एंड 170 प्रॉक्स फ्रेट ट्रेन पास होता है। विजयवाड़ा खुद का एक डिवीजन है और ये साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। JCD से विजयवाड़ा तक हम लोग का टोटल 1412 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया है। ट्रेन में काफ़ी झमेला भी हुआ, जो केस मैंने बोला अभी, एक बच्चा क्या गलत काम कर दिया, एक जन के ऊपर गलत काम कर दिया तो गुस्सा हो गया अंकल, थोड़ा सा ज़्यादा बच्चा चढ़ गया, 5 बच्चा 9 सीट, तो क्या होगा, ऐसा ही होगा। जितना ऑयल था सब निकल गया। फाइनली भाई साहब विजयवाड़ा में जाके साफ सफाई हुआ, अब थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है कोच। फाइनली साफ सफाई हुआ, अब डिपार्चर देखेंगे विजयवाड़ा से। बाद में अभी डिपार्चर है। ना ना अभी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। इधर देखो भाई साहब, क्या बढ़िया बढ़िया यहाँ पर ही मिल जाएगा तुमको। 10 मिनट बैठ के खा लेते, 10 मिनट में खाना होता है भाई। कार मिलेगा, एकदम से चेंज हो गया। मतलब 8-9 डिग्री से 26-27 डिग्री कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मतलब एक्सट्रीम होता चेंज हो रहा है। मेरा शरीर का तो पता नहीं क्या होगा, आप लोग लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत की है, ऑलमोस्ट सारे स्टेशन कवर करने का कोशिश किया रात को छोड़ के, क्योंकि नींद इज इम्पोर्टेंट और बहुत लंबा ट्रिप है, इसलिए अभी देखते हैं शायद कृष्णा रिवर आएगा। ओ भाई साहब,
सब लोगों को बेटर लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। दोनों ही अमेजिंग लगा मेरे को तो पर्सनली अमेजिंग लगा और दोनों ही साइड से मैं क्लिप लिया कृष्णा रिवर का। और इसके बाद शायद आएगा तेनील ऐसा कुछ है और उसके बाद ओंगोल ऐसा कुछ है OGL जिसका स्टेशन कोड है। और सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, बहुत ही गर्म है, वेदर चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट मिलेंगे नेलोर में या ओंगोल में। इसका टॉयलेट अभी साफ सफाई हुआ, देखिए विजयवाड़ा के बाद जगवाल लगा दिया है, हैंड सोप था, अभी साफ सफाई ठीक ठाक है और फ्लैश भी हो रहा है, अभी ठीक ठाक है, फ्रेश मतलब फ्रेश स्मेल भी आ रहा है, लेकिन कोच के अंदर जो साफ सफाई वो थोड़ा सा कम है। लेकिन आप फाइनली विजयवाड़ा में टॉयलेट साफ हुआ पूरा जर्नी में, और पहले शायद विशाखापट्टनम में थोड़ा बहुत हुआ था। ठीक है, कितना स्टेट क्रॉस किया हम लोग क्रॉस करेंगे तमिलनाडु तक। हाँ, तो हम लोग चेन्नई तक चित्रंजन चढ़े जो कि वेस्ट बंगाल में था, एंड उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। हाँ मतलब पकड़ लीजिए कहाँ से छोड़ा वो उससे बोलो। आसनसोल, हाँ सर देखिए हम बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल क्रॉस किए, झारखंड बीच में ढुके थे, उड़ीसा क्रॉस किए, उसके बाद आंध्र प्रदेश क्रॉस किए, उसके बाद अभी तमिलनाडु घुसेंगे, फिर आगे देखते हैं पता नहीं। पहले झारखंड से ही शुरू हुआ, झारखंड से वो अपना झारखंड है। हाँ, वो अपना स्टेशन झारखंड में, मतलब पांच स्टेट क्रॉस कर लिए, पांच स्टेट, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अभी तमिलनाडु ढुकेंगे। तो भाई साहब बहुत टाइम बाद सो रहे हैं और वो एकदम ऊपर बैठ, इसी में थोड़ा सो रहते हैं क्योंकि बहुत गर्म है बाहर, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12376 हावड़ा नहीं जसेरी ताम्बरम एक्सप्रेस फाइनली पहुंच गई है ओंगोल स्टेशन। एंड मैंने अभी भैया के चैनल को हाईजैक कर लिया, बेसिकली थोड़ा बहुत कंटेंट मेरा चैनल में भी जाएगा, इसमें आपको कुल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, एंड मैं उतना डिटेल नहीं देता हूँ अभी भैया के चैनल इसलिए मैं दे रहा हूँ। एंड गाइस बाकी सब जो भी डिटेल्स चाहिए गूगल कर लेना भाई। ये कुछ ऐसा ओंगोल का सीन है, एंड देखा जाए तो गाइस काफी छोटा सा स्टेशन है, बस 3 ही प्लेटफॉर्म है भाई, कलरफुल वाटर मिल रहे भाई, भाई भारी ग्रीन सिग्नल हो गया भाई, चलना चाहिए अपने को, सिग्नल हो गया, चलते हैं। तो इट्स टाइम हो रहा है अभी 5:33 एंड देखिए बाहर कितना रोशनी है अभी भी। हाँ हाँ पर बहुत बढ़िया रोशनी है, बहुत ए सौभाग्य, गुड इवनिंग ब्रो, भैया गुड इवनिंग। अभी ऐसा लग रहा है कि नाइट हो गया, लेकिन बाहर नहीं है, दिन है, वेदर हम पूरा चिल्ड बना रही है एकदम। सब लोग देख सकते हो इधर खड़ा है विजयवाड़ा चेन्नई, और इसका सिग्नल ग्रीन दे दिया है। अभी भी रेड के दिया भी। उसको रेड दिया हुआ है, वो तो निकल जाएगा, उधर जाएगा ना, दो भी चलेगा ना, इधर से निकल जाएगा। टाइम कितना हो रहा है भाई साहब? ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है, 50 मिनट्स। हम सोचे ब्रिज नेल्लोर स्टेशन कोड NLR, यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है, 8 ट्रैक्स है, और यहाँ से 3 लाइन जाता है, हावड़ा चेन्नई मेल लाइन, दिल्ली चेन्नई लाइन, विजयवाड़ा चेन्नई लाइन, वो भी AB SCR में पड़ता है, साउथ सेंट्रल रेलवे विजयवाड़ा डिवीजन। और इसको आसनसोल के तरह वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज देने के लिए 100 करोड़ सैंक्शन किया गया रिसेंटली, और यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है और निकलेंगे।
और ये भैया बहुत बेकार है, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं ब्लॉगिंग में, बहुत डिस्टर्ब किए। चलो टाटा। मेरे को ये B5 कोच में बहुत सारा आदमी पब्लिक मिला जो बोल रहा है मेरे को व्यूज बनाना है यूट्यूब में, कुछ लोग बोल रहा है कि मेरे को ब्लॉगिंग सिखाना है, कुछ लोग बोल रहा है कि मेरे को यूट्यूब अभी से करना है क्लास 8, जो जिसको मैंने बाय किया वो क्लास 8 है, और ये वाला भैया इसको भी व्यूज बढ़ाना है, तो सब्सक्राइब कर दिया पूरा ट्रेन का, 72 सब्सक्राइबर इसका हो गया गैजेट स्पोर्ट्स। ऐसा क्या चैनल है, तुम नाम बोलो। मेरा सौभाग्य। हाँ तो ये चेन्नई वाला सारा घूमने वाला ब्लॉग इसके चैनल पर आएगा, मेरा सिर्फ ट्रेन जर्नी बस यही है, और सारा घूमने वाला इसका चैनल पे। क्या नाम बोल दो और एक बार। सौभाग्य। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिएगा ना। नहीं डालेंगे हम, ऐसे नहीं डालते किसी का। अरे डाल देंगे। पिकअप देखो, लास्ट में है ना हम लोग। जब 2-3 दिन का सफ़र हो, मतलब मान लीजिए 30 आवर से अबव हो, तो एक ही कोच में बहुत सारा दोस्त तो बन ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन एक जो जिसको मैंने बाय किया वो क्लास 8 में पढ़ता है, वो तो मेरे पास आया, मेरे चैनल को देखा, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ है बोला, और फिर बोला कि मेरे को भी यूट्यूब करना है। हम बोले कौन से क्लास में, वो बोला क्लास 8 में पढ़ते हैं। हम बोले अभी थोड़ा सा स्टडी में फोकस कर लो, क्योंकि पैशन को पैशन की तरह ही रखना चाहिए। और आप लोग अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा मैं भी थोड़ा सा इरेगुलर हो चुका था 2 महीने से, क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम था। सच बोलो तो मेरे को भी यूट्यूब पैशन के तरीके से लेना है, और जब होगा तब देखा जाएगा। वीडियो अब तक शायद अच्छा लग ही गया है, अगर नहीं लगा तो क्या बोले, डिसलाइक कर दो नहीं तो लाइक कर दो, दोनों में से एक करना है जरूर, ठीक है। अगर लाइक नहीं तो डिसलाइक, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं भी कर सकते, नहीं अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि फीडबैक ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए ये आप मुझे जानना है, ठीक है। तो डिसलाइक करेगा तो कमेंट वास्ट है, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, क्योंकि डिसलाइक करने का मौका फिर से मिलेगा जो डिसलाइक करते हो, ठीक है। चलो इसके बाद आएगा गुरु जंक्शन। We have reached Gudur. Almost 30 minutes late from number 1 पे। We have reached Gudur, स्टेशन कोड GDR, 5 प्लेटफॉर्म है, और SCR और विजयवाड़ा बोलते बोलते थक चुका हूँ, आप समझ लो थोड़ा सा। और इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ से 2 ब्रांच लाइन जाता है, आरा कोनाम और काटपाड़ी ब्रांच लाइन जाता है यहाँ से, ये जंक्शन है, स्टेशन कोड GDR, और 2 मिनट का हॉल्ट है। हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 34 मिनट्स लेट है, तो डिपार्चर देखते हैं। बिहेवियर में मत जाओ, तुम काम पे देखो। 7:30 टाइम था, मान लीजिए 30 मिनट्स लेट है। बाहर काफी अंदर है तो नीचे नहीं उतरेंगे, 2 मिनट का हॉल्ट है। और बता दूं सुल्लूरू पेटा के बारे में, यहाँ का स्टेशन कोड SPE है, 3 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से सावधान जोन का शुरुआत होता है LSR का, और ये चेन्नई डिवीजन में आता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट नेलोर है और स्टेट AP है। और 2 मिनट का हॉल्ट है, हम लोग 30 मिनट लेट है, और ऐसे 2 लाइन आके मिलता है जो दिल्ली चेन्नई मेन लाइन है और हावड़ा चेन्नई मेन लाइन। कार्ड सब ग्रीन दे दिया, दिख रहा होगा। एक बार
बता दूं, हम लोग अभी आधा घंटा लेट चल रहे हैं और सुलुरू पेटा तक हम लोग 1761 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। मतलब आप चेन्नई इग्मोर तक बाकी है 110 किलोमीटर लगभग। और साफ सफाई का जो बात किया था वो थोड़ा सा मतलब साफ सफाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं हो रहा है, तो 10 में से 6-7 दे सकते हैं। 109-110 तो भाई साहब मेरा फोन में मैसेज आ गया, वेलकम टू जियो तमिलनाडु। मतलब हम लोग फाइनली तमिलनाडु एंटर कर चुके हैं। आपको तो बढ़िया लगेगा ये। ये वाला चार्जिंग पोर्ट खराब है, ये जल रहा है। ये वाला कौन सा है? ये वाला जल रहा है, ये वाला भी जल रहा है, फूक है। साइड लोअर में भी चार्जिंग है। करो कुकुपेट स्टेशन स्कीपिंग चेन्नई बीच। हम लोग का टोटल लगेज, हम लोग का केबिन, ट्रेन पंक्चुअल रहा ना? हाँ ट्रेन तो हम तो आपको बोल ही देते, ट्रेन लेट नहीं होगा, आप ही बोल रहे थे कि जा रहे हैं एकदम राइट टाइम, बिफोर ही पहुंचा देता, स्लो स्लो जा रहा है एकदम पूरा। ग्रेटर इनाई कॉर्पोरेशन में क्या लिखा है? टाइम देख लीजिए डॉट टाइम। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय आवर कोच, टू आवर कोच। चेन्नई इग्मोर स्टेशन कोड MS और यहाँ पर 11 प्लेटफॉर्म है और ये तमिलनाडु में पड़ता है, साउदर्न जोन का और चेन्नई डिवीज़न। और यहाँ का दो एंट्रेंस है, एक मैंने देखा गांधी इरविन रोड और मेन एंट्रेंस जो है, और पीछे वाला रियर वाला जो है वो उसका पुन्नामाली रोड हाई रोड कैसा कुछ करके है, तो देखते हैं कहाँ से निकलते हैं। सामने है स्टेशन और फैमिली पीछे है। इधर खड़ा है तंजावुर रामेश्वरम और इधर हम लोग का ट्रेन, इसको बाय बाय कहेंगे। स्टेशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया लगा, पहली बार आ रहे हैं। मेरा बाहर का एंट्रेंस, बाकी चेन्नई इग्मोर को बाद में दिखाएंगे किसी और एक जर्नी में प्रॉपर डिटेल्ड में, क्योंकि और भी जर्नी होगा आप लोगों को पता ही है। और ट्रेन पूरी पंक्चुअल है, एकदम राइट टाइम पहुंचा दिया, तो अभी होटल जाएंगे और ब्लॉग को यही एंड करेंगे। और चेन्नई इग्मोर के बारे में और एक जर्नी शुरू होगा तो उसमें पूरा दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अभी के फिलहाल बाय, गुड बाय, गुड नाइट एंड टाटा।